हेलो किसान भाइयों, मैं शुभम और कीट विज्ञान विशेषज्ञ आप सभी लोगों का अपने चैनल कृषि ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाइट फ्लाई, जिसे सफ़ेद मक्खी के नाम से जाना जाता है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसे करें और ये प्लांट पे कैसे इफेक्ट करता है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले क्या होता है, इसके जो एडल्ट होते हैं वो सबसे पहले क्या करता है कि एग लेइंग करता है, मतलब कि अंडा देता है, प्लांट के निचली सतह पे देता है पत्तियों के। और एक लेइंग देने के बाद क्या होता है, वो एक लेइंग धीरे धीरे कुछ दिन बाद हैच होती है, मतलब कि उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं, जिसे हम निफ कहते हैं, जिसे शिशु भी कहा जाता है। जैसा कि अगर आप चित्र में देख पा रहे होंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि निफ निकल रहा है एक से हैच करने के बाद, मतलब एक के टूटने के बाद, अंडा के टूटने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। अब ये बच्चे करते क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो बच्चे हैं यही 80% तक आपके फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ये करते क्या हैं, ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं। ये प्लांट के पत्तियों पे पिन करके उससे रस चूस लेते हैं, जिससे प्लांट की जो भी चीज़ें रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, विटामिन रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो सक कर जाते हैं, जिससे प्लांट में फूल गिरने की बीमारी, पत्तियां सूखने की बीमारी, पत्तियां मुड़ने की बीमारी, गुर्चा रोग, ये सारे चीज़ हो जाते हैं। यहाँ पर सामने देख पा रहे हो कि ऐसे ही निफ होता है। एडल्ट जो होता है वो भी सकिंग टाइप का इंसेक्ट होता है, लेकिन वो 20% ही नुकसान पहुँचाता है, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। एडल्ट ये सिर्फ 20% नुकसान पहुँचाता है, और बाकी जो भी नुकसान 80% पहुँचाता है वो होता है निफ, जैसा कि यहाँ बगल में निफ आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये जो निफ होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ये पत्तियों के सभी भागों पे फैल जाता है, और फैलने के बाद सिर्फ रस चूसने का कार्य करता है। और अगर दिन में अगर आप इसे खोजना चाहें तो नहीं खोज पाएंगे, और अगर नग्न आँखों से, मतलब अपने आँखों से सोचेंगे कि मैं व्हाइट फ्लाई को देख पाऊँ, तो बहुत कम सोचेंगे ये व्हाइट फ्लाई नहीं है, आप सोचें कन्फ्यूज में पड़ जाएंगे, ये सोचेंगे कि मिली बग है। असल बात मिली बग होता नहीं है, ये व्हाइट फ्लाई होता है, सफ़ेद मक्खी होता है। आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तब तो आपको दिखेगा। और इसके निफ्स जो होते हैं, जो शिशु होते हैं, उसे तो आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है और पत्तियों की निचली सतह पर चिपका होता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये निफ है, ये चित्र में 2 mm दिखाया ना, ये निफ होता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम इसके कंट्रोल के बारे में बता देते हैं। दो दवा बताएंगे आपको। पहला दवा जो होता है BASF के नाम से आता है, सफीना इंसेक्टिसाइड होता है, एपिडोपाइरोपेन नाम से आता है, 50 GL में आता दवा है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और सेकेंड दवा जो होता है वो FMC की आती है, ये थोड़ा महंगी दवा आती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कारगर होती है। इसमें साइंड्रा नीलप्रोल दवा होता है, 10.26% OD में आता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, डोज की बात कर लें तो डोज 2 mL पर लीटर पानी में मिलाकर आपको यूज करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला दवा, ये किस किस फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं, तो बता दूं, टमाटर, मिर्च, बैंगन, परवल, लौकी, भिंडी, बोड़ा, पत्ता गोभी और इत्यादि फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। आगे मैं और बताता हूँ कि कौन कौन से कीट लगे तो उस पर छिड़काव कर सकते हैं। तो कीट की बात कर लें तो सभी प्रकार के रस चूसने, जो रस चूसते हैं, ध्यान दीजिएगा, रस चूसते हैं, उनके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, और इल्लियों पे भी छिड़काव कर सकते हैं। और इल्लियों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर दवा है, इल्लिया मतलब कि अगर किसान भाई, अब भुड़ीला आप जानते हैं ना, भुड़ीला अगर कहेंगे कि गांव के लैंग्वेज में, तो वही होता है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारा, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको और भी दवाई चाहिए तो हमें कमेंट्स करिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।